अवैध शराब कारोबार को लेकर आबकारी विभाग ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। चारों को बरमसिया उत्पाद कारा में लाया गया। असल में उत्पाद विभाग ने जिले के चार अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर अवैध महुआ शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बाबत बरमसिया डिपो में SI मोहम्मद गुफरान ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की गई। इस दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोबाड़ मोड़ स्थित होटल में छापा मार कर 15 लीटर अवैध चुलाई महुआ शराब बरामद किया गया और संचालक श्यामदेव राम को गिरफ्तार किया गया। वहीं मोड़ स्थित ही एक और होटल से 17 लीटर महुआ शराब बरामद कर राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद टीम ने बारागढ़ा खुर्द में छापामारी कर 30 लीटर महुआ शराब बरामद कर मुकेश टुड्डू को गिरफ्तार किया। वहीं लेदा में 15 लीटर शराब बरामद कर सनोज साव को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि उत्पाद अधिनियम की धारा 47A के तहत मामला दर्ज किया गया है। छापेमारी दल में SI मोहम्मद गुफरान, ASI निजाम खान, होमगार्ड जवान अजय सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित थे। गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारी उत्पाद गिरिडीह के आदेशानुसार कतिपय स्थानों पर छापामारी की गई, जिसमें डुमरी रोड, मुफस्सिल थाना अंतर्गत डुमरी रोड पे और लेदा में कोवाड़ मोड़ में इन जगहों पे जो है और अन्य जगहों पे गश्ती की गई। छापेमारी के क्रम में चार लोगों को, कुल चार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उत्पाद अधिनियम की धारा 47A के अंतर्गत, जिसमें श्यामदेव राम कोवाड़ मोड़ से होटल संचालक, राजेंद्र यादव कोवाड़ मोड़ से होटल संचालक, मुकेश टुडू बारागढ़ा खुर्द एवं सनोज साव लेदा से गिरफ्तारी की गई है। इन सभी के पास कुल मिला के 77 लीटर अवैध चुलाई महुआ शराब की बरामदगी हुई है।